गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अब हम आए हैं महाकाल की नगरी उज्जैन में. इट इज़ ऑल्सो नोन एज द सिटी ऑफ टेम्पल्स. हम आज दर्शन करेंगे महाकाल के, बड़ा गणेश जी के और हरसिद्धि टेम्पल के. तो ये तीनों ही प्रीमाइसिस नज़दीक में ही है. मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे है महाकाल का मंदिर, मेरे राइट साइड पीछे की तरफ में है बड़ा गणेश जी का मंदिर और सामने राइट साइड पे तरफ है हरसिद्धि का मंदिर. तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के जर्नी की. बोलो हर हर महादेव. हम आए हैं महाकाल के दर्शन के लिए. जैसे आप देख रहे हैं पीछे कितनी भीड़ है. बीइंग अ वीकडे इतने दर्शनार्थी आज आए हैं दर्शन के लिए, तो सोचिए सैटरडे संडे को कितनी भीड़ रहेगी. ऑलरेडी हमें 40 मिनट्स हो गए हैं लाइन में खड़े रह के, पता नहीं और अब कितना देर लगेगी. चलिए देखते हैं. फाइनली हमारे दर्शन हो गए हैं महाकालेश्वर मंदिर के. हमें तकरीबन 1.5 घंटे लगे दर्शन करने के लिए. अब हमारे पीछे जो आप देख रहे हैं वो है ओंकारेश्वर मंदिर और उसके ऊपर है नागचंद्रेश्वर मंदिर. तो नागचंद्रेश्वर मंदिर सिर्फ नाग पंचमी के दिन ही खोला जाता है दर्शन के लिए. अब हमारे राइट में है नवग्रह मंदिर. और लेफ्ट साइड में है संकट मोचन दास हनुमान जी का मंदिर और उसके ही बाजू में है स्वप्नेश्वर महादेव का मंदिर. इस परिसर में हम ये सारे मंदिर के दर्शन कर सकते हैं. सारे मंदिर के दर्शन करने के बाद आप आए हैं काउंटर पे. हम लेंगे एक छोटा सा पैकेट प्रसादी का. 60 वाले बॉक्स में हमें मिले हैं 4 लड्डू प्रसादी के. हम प्रसादी ग्रहण करेंगे और फिर हम आपको मिलेंगे अगले डेस्टिनेशन पे. अभी हमने दर्शन किए बड़ा गणेश मंदिर के. यह प्रतिमा 113 साल पुरानी है और लंबाई में 13 फीट और चौड़ाई में 10 फीट है. पूरी मूर्ति मिट्टी की बनी हुई है. यहाँ पे ऐसी मान्यता है कि यहाँ पे मन्नत के धागे बांधे जाते हैं जो कि आप अपने मूर्ति के नीचे देखे रहेंगे. मन्नत पूरी होने पे वो धागा एक खोल कर उसका विसर्जन किया जाता है. उसके और अंदर जाने पे वहाँ पे पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति है जो कि अष्ट धातु की बनी हुई है. वो भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है देखने के लिए, पंचमुखी हनुमान जी. अंदर दर्शन करके मन शांत हो गया.
Now we have come to Harsiddhi Temple. यह 51 शक्तिपीठ में से एक टेंपल यहाँ पे पाया जाता है। यहाँ पे माँ सती का एल्बो गिरा था। यह इनको हरसिद्धि इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने दो डीमंस या राक्षस चंड और प्रचंड का वध किया था। यह टेंपल मराठा के राज रूल के दौरान बनाया गया था। यह जो तो आप दो ये स्तूपा देख रहे हैं दियो के, वह एक मराठा स्टाइल का एग्जाम्पल है। ये कोई भी फेस्टिवल के टाइम पे इवनिंग में ये दोनों स्तंभ को दियो से प्रज्वलित किया जाता है। माँ हरसिद्धि वर्शिपिंग गॉडेस है विक्रमादित्य के। हेलो फ्रेंड्स, आफ्टर विजिटिंग महाकालेश्वर टेम्पल, बड़ा गणेश जी टेम्पल और हरसिद्धि टेम्पल, अब हम आए हैं राम घाट पे। यह शिप्रा नदी के तट पर स्थित है। जैसे आप जानते हैं कि भारत में कुंभ मेला हर 12 साल में एक बार होता है और सिर्फ 4 जगहों पर होता है। सो उज्जैन का ये राम घाट उसमें से एक स्थल है जहाँ पे कुंभ मेला आयोजित होता है। आप इंजॉय करिए नज़ारे इस तट के, राम घाट के। हम मिलते हैं वापस अगले स्थल पे। Our next destination or temple in Ujjain is Kaal Bhairav. It is the guardian god of the city. Rakshak Bhagwan. यहाँ पे एक offering जो और कोई मंदिर में नहीं होती, वो है शराब। यहाँ पे भगवान को शराब चढ़ाई जाती है। अंदर फोटोग्राफी और वीडियो अलाउड नहीं है, इसके लिए हम इस मंदिर का मूर्ति की आपको वीडियो नहीं दिखा पाएंगे। बट आप यहाँ से देख सकते हैं कि कितनी भीड़ है मंदिर के अंदर। हम दर्शन करके वापस मिलेंगे अगली जगह। काल भैरव के दर्शन करने के बाद हम आए हैं अगले स्थल गढ़कालिका मंदिर पर। इसका नाम गढ़कालिका कैसे पड़ा? गढ़ मतलब ऊंचाई और कालिका काली माँ का मंदिर, इस तरह से इसका नाम गढ़कालिका पड़ा है। यह कवि कालिदास की इष्ट देवी है। यह भी 51 शक्तिपीठों में से एक मंदिर है। यहाँ पे माँ सती के होठ गिरे थे। गढ़कालिका माता जी के दर्शन के बाद हम आ पहुँचे हैं सांदीपनी आश्रम में। यह आश्रम इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ पे कृष्णा, बलराम और सुदामा ने यहाँ पे अपनी शिक्षा प्राप्त की थी। इन्होंने 126 दिन में यहाँ पे अपनी शिक्षा प्राप्त की थी। तो चलिए चलते हैं और विजिट करते हैं सांदीपनी आश्रम। राइट साइड पे है कुंडेश्वर महादेव मंदिर। चलिए चलते हैं मुख्य मंदिर भगवान श्री कृष्ण की पाठशाला में। अंदर पाठशाला में कैमरा या मोबाइल वीडियो कैमरास अलाउड नहीं थे। हमने दर्शन किए अंदर के कमरे का, पाठशाला का। वहाँ पे सुदामा, बलराम और कृष्णा जी की विद्यार्थी के रूप में मूर्ति स्थापित की हुई है। उनके गुरु जी की मूर्ति उनकी पादुका के साथ, चरण पादुका के साथ उसी स्थल पर एक ऊंचाई पे प्लेटफॉर्म बनाकर उनका विराजमान किया गया है। गुरु जी का नाम है संदीपनी और उसी के नाम से संदीपनी आश्रम कहा जाता है। चलिए अब चलते हैं आगे और एक्सप्लोर करते हैं। अब यह है 14 डिसिप्लिन्स ऑफ नॉलेज लर्न्ड बाय श्री कृष्णा। चलिए देखते हैं।
यहाँ पे हमने जाना कि 14 कलाएं जो कृष्णा जी, बलराम और सुदामा ने हासिल किए थे पेंटिंग के द्वारा, जो पेंटिंग की हुई है अंदर, वो उड़ीसा से इंस्पायर्ड, उड़ीसा कलर कॉम्बिनेशन से इंस्पायर्ड है। जो बोर्ड बाहर लिखा था 126 डेज, वो गलत है। 14 विद्यास 64 आर्ट्स सीखे थे 64 डेज में। चलिए चलते हैं। यहाँ पे हमने दर्शन किए 6000 साल पुराने शिवलिंग के, जो आश्रम या फिर कृष्णा के जो गुरु जी थे संदीपनी जी, उन्होंने बिलपत्र से उत्पन्न किया था ये शिवलिंग। यहाँ पे शेषनाग के दर्शन होते हैं जलधारा में, जो कि बहुत ही दुर्लभ है। चलिए चलते हैं और देखते हैं 64 आर्ट ऑफ फॉर्म्स। अभी हमने देखे 64 आर्ट फॉर्म्स जो कृष्णा, सुदामा और बलराम ने यहाँ पे प्राप्त किए थे। तो ये पूरे सर्कल में वो पेंटिंग के द्वारा हमें बताया गया है। यह जो हम कुंड देख रहे हैं, जो 64 आर्ट फॉर्म्स के बीच में है, इसे कहते हैं गोमती कुंड, और ये भगवान श्री कृष्णा के द्वारा प्रकट किया गया है। हमने दर्शन किए अभी संदीपनी आश्रम के। यहाँ पे हमने जाना कैसे सुदामा जी, कृष्ण जी और बलराम जी ने अपनी विद्या प्राप्त की 64 डेज में। यहाँ पे सारा ही ज्ञान हमें पेंटिंग के रूप में बताया गया है। इसके अलावा हमें दर्शन हुए कृष्णा जी, बलराम जी और सुदामा जी के विद्यार्थी के रूप में। अब चलेंगे अगले डेस्टिनेशन पे। अभी हमने दर्शन किए जैन, दिगंबर, महावीर तपोभूमि मंदिर के। यहाँ पे आप देख सकते हैं महावीर भगवान की भव्य मूर्ति है, और इसके साथ ही साथ इसके नीचे पार्श्वनाथ भगवान का मंदिर है। और इसके अलावा यहाँ पे हमने काफी सारी प्राचीन मूर्तियां देखी जो खंडित है और कई दौरान प्राप्त की गई थी। अब हम आए हैं सावेर गांव में पाताल विजय उल्टे हनुमान जी के मंदिर में। यह मंदिर हाईवे से थोड़ा अंदर की तरफ पे है सावेर गांव में। जब आप उज्जैन से इंदौर ट्रैवल करेंगे या फिर इंदौर से उज्जैन ट्रैवल करेंगे, तब यह मंदिर आपको बीच में इंदौर से 30 किलोमीटर दूर पड़ेगा। यहाँ की विशेषता यह है कि यह मंदिर हनुमान जी का सिर नीचे की तरफ है और पैर ऊपर की तरफ। इसकी कहानी के लिए हम लोग ने रिक्वेस्ट किया है पंडित जी से, वो इसके बारे में हमें बताए। तो चलिए सुनते हैं उनसे इसकी कथा। जी
Our day one has come to an end today. We started our journey from Mumbai, from Avantika Express. फिर आज उतरे हम उज्जैन महाकाल नगरी एंड वहाँ से एक्सप्लोर करते 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 हम आ पहुँचे हैं इंदौर साउथ टूकोगंज में. आई होप यू हैव लाइक टूडेज व्लॉग एंड वी विल कंटिन्यू विद द जर्नी और हम लोग एक्सप्लोर करेंगे मालवा रीजन. कल का प्लान है मांडू और महेश्वर एक्सप्लोर करने के लिए, वहाँ का हेरिटेज और कल्चर जानने के लिए. डू लाइक शेयर सब्सक्राइब दिस चैनल एंड कमेंट. टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी. थैंक यू.